तो चलिए सेकेंड राउंड चार ओवर बिल्कुल अच्छी नियम ये हर टूर्नामेंट में हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट के आखिरी दिन दिक्कत होता है जहां आपको चलिए थोड़ा समय वक्त है क्योंकि डीजे मास्टर को यहाँ मौका मिला है। डीजे मास्टर को ना जितना शादी हल्दी में मौका मिलता है ना बजाने का, उतना क्रिकेट में मौका नहीं मिलता है। शादी हल्दी में डीजे मास्टर बजा बजा के गाना परेशान हो जाते हैं और दूल्हा से कहते हैं भाई डीजे कब बंद करना है, और दूल्हा कहता है यही कि मेरे दोस्त को एक बार चढ़ जाने दे फिर जनरेटर की आवाज़ से नाचेंगे, तुम सो जाना। तो क्रिकेट में देखिए इन्हें कम मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर मौका मिला है, चलते हैं उनके पास। अंपायर की तरफ से बड़े सिग्नल से दोनों अंपायर को यहाँ से थोड़ी सी राहत मिला होगा, थोड़ा लंबा समय यहाँ पर थोड़ा ब्रेक रहेगा। लेकिन से यहाँ से देखिए सेकेंड राउंड का पहला मैच है और जहाँ पर महामुकाबला महासंग्राम शुरू हो चुका है। देखिए बल्ले बल्ले यहाँ पर से उमर इलेवन गोरेगांव टीम है, थोड़ा सा जब 50 का यहाँ पर टोटल लगा था और शुरुआत ओवर में 2 विकेट गिरा था। कामिल देखिए यहाँ पर बढ़िया स्कोरिंग कर रहे थे सुबह के समय। कहते हैं ना नाम ऐसा कमाओ कि लोग गाली पर भी ताली बजाएं, और कामिल निश्चित रूप से नाम बेहतर करते जा रहे हैं कम उम्र में। सही बात भूपे ऋषभ, देखिए मैंने इनका जिक्र किया और ये चलिए पहली गेंद के पर अटैक करते हुए यहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी सेकंड राउंड में, तो ऐसा देखने को मिलेगा दोस्तों। ये तो टेलर है गुरु, पूरा पिक्चर अभी बाकी है, 4 रन। चलिए पहली गेंद के पर चौका, अजमल जी जैसे कहते ना पहला पहला प्यार नहीं भाई, ये पहला चौका है, बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया अपने टीम के लिए। और गेंद से देखिए कितनी बड़ी प्रेम, शॉट सिलेक्शन देखिए कितना कमाल का, और फैशल जब बल्लेबाजी कर रहे थे मजा आ रहा था देखकर उनकी शॉट सिलेक्शन। अजमल मैं हमेशा कहता हूँ अगर जिंदगी में महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। और यहाँ पर देखिए वही बल्लेबाजी देखने को मिला यहाँ पर बल्लेबाज कभी के बल्ले से, और ये चलिए भाई कवि का गाड़ी यहां पर चलता हुआ था रम पम पम, और 1-6 रन। ना भूखा शेर हमला करता है लेकिन जख्मी शेर तबाही तबाही तबाही, और यहां पर शुरुआत देखिए दारुला टीम देखिए यहां पर टॉच हारे हैं लेकिन से, और उसके साथ देखिए यहां पर कमाल के ढोके। दापुली टीम के कप्तान आपको तैनात रहना होगा जैसे इनिंग का समाप्त होगा। और ओहो ये देखिए टाइमिंग सम पर देखिए नाच मेरे लाला तुझे पैसा मिलेगा, झलक 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 दिखला जा 6 रन। ये 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराब, ये शराब पीना बिल्कुल बेहद जरूरी नहीं है, लोगों को लगता होगा जरूरी है लेकिन चलिए हर किसी का किस किस को शौक है किस किस को लेकिन से नहीं होना चाहिए। सईद के लिए जितना खराब है शिंदे के लिए भी निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पर टोटल की बात करेंगे 16 रन बना है। और कवि देखिए क्या कवि लिख रहे हैं,
ओहो लेट स्क्वायर कट से क्या कमाल की बल्लेबाजी, इसे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा, चार रन। ये चलिए लगातार चौके छक्के की हो रही है बारिश यहां पर, लेकिन आसमान पर देखिए हल्के से बादल छाया हुआ है, लेकिन जमीन पर देखिए बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, लैला मजनू का पिक्चर लगा है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रहा है गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से पहाड़, लेकिन गेंदबाज को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाता है, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों की भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराता है। और ये चलिए ये गुलाब खिल रहा था लेकिन थोड़ा सा दूर रह गया, आखिरी गेंद के ऊपर रन नहीं आया और बड़ा हिस्सा लिया यहाँ पर, लेकिन कवि ने देखिए बहुत बड़ा कविता लिख दिया यहाँ पर, बड़ा लंबा ओवर बना दिया यहाँ पर, 20 रनों का ओवर, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ डीजे। अगर बिखरना है तो फिर निखरना भी जरूरी है, और कभी ने देखिए यहाँ पर कमाल के बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ कर लो शायद मैं उतना ही कम, आंखों से सुरमा नहीं पूरी आंखें चुरा लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर वापसी करनी है तो यहाँ पर मोरिल टीम को देखिए अगर वापसी करनी है ना फिर एकाक विकेट की जरूरत है। अजमल जैसे कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो इस मैच में वापसी करने के लिए एकाक विकेट की जरूरी है। यहाँ से जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सदम, और इस मैच में देखिए वापसी करने के लिए एकाक सफलता की जरूरत है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और ये कमाल की गेंद, मुलाकात हुई लेकिन अच्छा खासा नहीं हुआ। बाबू शाह देखिए मैं खास करके पनवेल हेमाडीसी तलोजा से इस चीजों के लिए मैं पहचाना जाता हूँ, और मजा आया बिल्कुल से पर माहौल क्राउड देखकर से। कल के दिन के ऊपर देखिए मानकुली के मैदान खरवई के मैदान के ऊपर था, लेकिन आज यहाँ पर और आने वाला कल वाउंझे के मैदान के ऊपर शेरदिल ट्रॉफी, जहाँ पर बड़ा तगड़ा फाइट गोरसा चेंज दो गेम, कल धिगोड़ी टीम जैसे ताकतवर टीम होंगे। ओहो हो ये चलिए संपर्क टाइमिंग कितना बेहतर, और यहाँ पर देखिए मुलाकात तो बहुत अच्छा खासा होता हुआ, अच्छी रन। का डिमेंड होना चाहिए, कहते ना नाम ऐसा कमाओ के लोग गाली पर भी ताली बजाए, रेबर ने करके दिखाया उन्होंने। पहले डॉट खेले और उसके बाद देखिए 26 रनों की इनिंग्स, लेकिन फैसल का तारीफ करना चाहूंगा, एक सीनियर खिलाड़ी थे साथ मिल रहा था, और ये चलिए लंबे समय से, ओहो ये क्या हो गया, चिंगो चिंगो यानी लैला के शादी में लफड़ा हो गया, और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। जरूरत था यहां पर कैच का, जो बता रहा था कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, और वो मुलाकात के समय आया था लेकिन लैला के शादी में लफड़ा हो गया। चलिए शरबत भी आता हुआ अरे ये चलिए हो क्या यहाँ पर, किस्मत भी कहते ना बहादुरों के साथ, हमारे स्क्वायर लेग के अंपायर भी मुस्कुराते हुए निश्चित रूप से जब मैंने पुकारा लैला के शादी में लफड़ा, देखिए एक कैच है ना पूरा लफड़ा कर देता है, पकड़ो कैच जीतो मैच। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहां से 30 रन बनाए, अभी भी देखिए ऐसा नहीं मुकाबला में काफी कुछ बैलेंस है, अभी भी देखिए वापसी कर सकते हैं मोरिल टीम। देखिए अगर आपको वापसी करना है तो फिर बहुत मेहनत करना होगा। ये चलिए क्या जरूरत है, सीधी उंगली से घी निकल रही है भाई, घर में जब अच्छा खाना मिल रहा है तो फिर बाहर के खाने की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए जो शॉर्ट पॉइंट का तैनात रहता है, गली गैप रहता है, थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप रहता है, इसके लिए रिवर्स शॉट के लिए बल्लेबाज इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स शॉट देखिए दो धार तलवार के जैसे लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद है।
सुनील देखिए स्ट्राइक पर और लेग भी पर गया फील और बड़ी मछली देखिए पिछला गेंद रिवर्स के लिए दबाव बनाता और उसके बाद है कि यहां पर लेग भी पर सिया ने पहला विकेट से मिलता हुआ। ये थोड़ा सा रुकना चाहेंगे ऐसे तो चलिए बात करेंगे मंडप मालिक रविदास जी आपसे गुजारिश करते हैं आप यहां से के संपर्क कर आयोजन करता हूं उसे। चलिए यहां पर आपका जो वायरिंग यहां पर देख सकते हैं वो ज्यादा हुआ है निश्चित रूप से। रोहिदास जी मंडप के मालिक उनसे गुजारिश करते हैं आइए। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया काम यहाँ पर बनते जा रहे हैं। देखिए अच्छा खासा यहाँ पर साझेदारी बन रहा था लेग भी पर विकेट मेरा लेकिन सफलता दिलाई कौन गेंदबाज देखे यहाँ पर शाम कहते हैं ना सुबह का भुला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते लेकिन शाम देखिए यहाँ पर बिल्कुल आखिरी गेंद के ऊपर घर वापस आ गए। चलिए नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान के ऊपर अनिल लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे कवि। कवि देखिए यहाँ पर कमाल के बल्लेबाजी करते हुए शॉर्ट सिलेक्शन देखिए मैदान के हर तरफ रन बनाते हैं मजा आया लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त तो हो चुका था पहला ओवर का खेल और वहां पर देखिए उन्होंने लुटा था 20 रन उसके बाद देखिए आया 10 रन कुल स्कोर की बात करेंगे 30 रन लेकिन यहाँ से देखिए अंतिम 12 गेंद बचाए आखिरी 12 गेंद के ऊपर कितना रन बनाएंगे कहते ना कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छूटी और यहाँ पर देखिए काफी गेंदे खेल चुके हैं बल्लेबाज लेकिन रन बचाने वाली बातें ना बनी और गेंदबाजी के लिए तैयार कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है अभी भी जवानी वाली बातें ना छूटी इसलिए कहते ना कुछ काम ऐसा करके जाओ जवानी वाली बातें भी छूट जाए। ओहो कमाल की टाइमिंग देखिए कभी यहाँ पर क्या बेहतर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज से खेल नहीं रहे हैं खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं ना शेर कभी शिकार करने का सपना नहीं देखता है डायरेक्ट शिकार कर लेता है तो ये कभी देखिए यहाँ पर सपना नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट देखिए उस गेंद के ऊपर टूट पड़ते हैं। ओहो ये बढ़िया गेंद बल्लेबाज को रोकने का ये सही तरीका। कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते हो स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते हो बगैर यॉर्कर और बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते हो बल्लेबाज को रोकने का एक सही तरीका देखा हुआ आंसर था यहां पर कोई मौका नहीं और ये चलिए भाई रिवर्स शॉट देखिए कितनी कमाल की खेलते हुए और वन बाउंस लिया दूसरा लिया और देखिए जोनी लेवर के जिंदगी में जो आई थी ना अप्पा डप्पा ये दूसरा टप्पा चौका। चलिए मंच पर देख सकते हो कितने बड़े बड़े मेहमान बैठे हैं पूरे बच्चे की तादाद देखिए चलिए गब्बर जब आता है ना मैदान पर माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा सो जा गब्बर आएगा और फिर उस गोरेगांव टीम देखिए अगला मैच में जब उतरेंगे और सामने देखिए धोखे धापेले टीम जहाँ रुपेश के बढ़िया कमाल के गेंदबाजी देखने को मिली थी अच्छे कप्तान के साथ ढोके धापुली की बात करेंगे और फिर से देखिए एक बिग फाइट्स मैच अगला मैच है एक तगड़ा फाइट्स होगा दर्शकों के सामने फिर से एक बार शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। शाम के समय है देखिए इमली के पेड़ के नीचे कितने इत्मीनान के साथ मैच का मजा ले रहे हैं
गेंद का लाइन छोटा था, हुक किया, शॉट लेके फील्डर देखे देखते रह गए और गेंद गया दर्शकों के खेमा में एड्रेस लेने के लिए। मास्टर धर्मेंद्र ने गलत कहा था, कुत्ते के सामने नाचना चाहिए, कुत्ते वफादार होते हैं, अगर 3 दिन भी खिलाओ ना 3 साल तक याद रखते हैं, अगर इंसान को 3 साल खिलाओ तो 3 मिनट में भूल जाते हैं। और ये चलिए आज क्या कर रहे हैं कवि, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी कविता लिख रहे हैं, गेंद को तो रोका गया लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने भाग में का भाग यहाँ पर इस तरह के 3 रन चुरा लिए। और थोड़ा सा दिन वक्त देखिए यहाँ पर से खराब चलता हुआ, यहाँ पर धरोला टीम ने देखिए टॉस यहाँ पर हारे थे लेकिन पहले बल्लेबाजी देखिए उन्हें यहाँ पर मिला, लेकिन क्या जख्म पर मरहम लगाए देखिए यहाँ पर। स्कोर की बात करेंगे 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 47 रन बन चुका है, तो अभी भी देखिए 6 गेंद बचा है। पानी लेकर जाइए, कभी बहुत लंबी समय से देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, हाँ ये जरूरत है, 4 ओवर का मैच में देखिए ड्रिंक्स नहीं जाएगा लेकिन खिलाड़ी दिक्कत में है तो पानी जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैदान के अंदर से स्कोर की यहाँ पर मांग हो रही है, 47 देखिए रन बनाए और कवि ने देखिए यहाँ पर पानी थोड़ी सी प्यास बुझाते हुए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास का होता है, कीमत चौके छक्के का नहीं कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है, इसलिए देखिए ना फैशल ने यहाँ पर मैच को समाप्त किए थे लेकिन वहाँ पर बात करेंगे रेबर ने देखिए जो इनिंग्स खेला था, इसलिए कहते हैं कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास का होता है, कीमत चौके छक्के का नहीं कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। और कवि ने देखिए अभी तक अच्छा इनिंग्स खेलते हुए और डीजे मास्टर ने कुछ चिकनी चमेली का याद दिला रहे थे, कहते हैं ना चिकनी चमेली पे कोई डांस कर लेने से कटरीना कैफ नहीं बन जाती, 1-2 छक्का लगा देने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता, भाई आपको अगर बड़े खिलाड़ी बनना है ना फिर बड़ा इनिंग्स भी खेलना पड़ता है। अदनान, अदनान देखिए हमारे साथ जुड़े हैं, अदनान कहते हैं ना बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता और 1-2 चौके छक्के लगाने से कोई सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं होता, अगर ऐसा खिलाड़ी बनना है ना तो रन के साथ शोभा भी बेहतर बनाना होगा तब आपको जाके क्रिकेट का ग्रेट कहा जाएगा। 34,357 रन सचिन रमेश तेंदुलकर बताए, इसके लिए उन्हें क्रिकेट का ग्रेट नहीं कहा जाता है, उसके साथ उनका शोभा बेहतर है, गलत डिसीजन का भी शिकार होते थे ना अंपायर से मुस्कुराते हुए निकल जाते थे। अजमल भाई देखिए हमारी स्कोरिंग करते हुए, काश हम भी कागज के टुकड़े होते हैं उनके हाथों में चिपके होते हैं, लेकिन उनका हाथ भी बहुत तगड़ा है। ओहो मचा आ गया, व्हाट ए शॉट, नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन फॉर रन। नहीं और यहाँ पर जिस तरह के कवि बल्लेबाजी कर रहे हैं कि हौसले का अंदाजा लगाना मुश्किल है, ढूंढो रे ढूंढो साजना, इन्हें रोकना मुश्किल। और इस बार देखिए कमाल का गेंद था, लंबी समय के बाद गेंद कांटे के जैसे मुड़ा, आपने देखे होंगे अक्सर केला मुड़ता हुआ केला, अरे गेंद ऐसा मुड़ता हुआ अंदर की तरफ गया, इन स्विंग रिवर्सिंग, पुरानी गेंद कहते ना बढ़ती उम्र में इसकी हो जाए तो हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि पुरानी गेंद तो रिवर्सिंग लेती है, पुरानी गेंद देखिए रिवर्सिंग लेता हुआ और उसके बाद देखिए कटर गेंद जिसे कहा जाता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, ये कम गेंदबाज इसका इस्तेमाल करते हैं,
थोड़ा सा लेग ब्रेक लेकर जाता है, लेकिन नाम इसका रहता है कटर गेंद, आपको लगता है तेज रफ्तार से आएगा लेकिन एक्शन वही रहता है, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत आसानी से निकलता है। और दो डॉट गेंद देखिए, और कवि को रोकना तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी बात, मिट्टी से घी निकालना, लेकिन कितना समय और रोक पाएंगे। 41 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कवि, एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए भाई, कितनी बढ़िया इनिंग्स देखिए खेल रहे हैं यहाँ पर, सुखार इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स में, सेकेंड राउंड में यहाँ पर बात करेंगे, और कमाल इनिंग्स यहाँ पर खेलते हुए। इसके बाद देखिए सेकेंड इनिंग्स के लिए जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे टीम, बहुत बड़ा दबाव बनेगा। स्कोर देखिए 50 के ऊपर 51 रन, और कवि को देखिए यहाँ पर डॉट गेंद खिला रहे हैं यहाँ पर, वारे वाह चंग छेड़ चुका है, तो शेर तो मैं बब्बर शेर, और कवि थोड़ी सी परेशान है यहाँ से कैसे खेला जाए इस गेंदबाजों के पास। और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर निहार, ये देखिए बल्लेबाजी भी कमाल का करते हैं भाई, इसलिए रन बचा रहे हैं, वो जानते हैं बचेंगे तो लड़ेंगे। स्लोर गेंद, नकल गेंद यहाँ पर, और कवि क्या कर रहे हैं भाई, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर लगा रहे हैं, जहां रनों की जरूरत है लेकिन वो ऐसा गलती नहीं कर रहे हैं भाई, ये जो गेंद है ना, इसलिए तो डीजे ब्रावो इन्हें चेन्नई सुपर किंग क्यों अभी तक टीम में जगह बनाए रखा है ई गेंद के लिए। और यहां से देखते हैं उभर की बात करेंगे ना, आखिरी गेंद, चार गेंद डॉट हो चुका है, लेकिन उसके बाद पांचवा गेंद रिवर्स शॉट, ये अच्छा सोच, कहते ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो फिर टेढ़ी तो करना होगा। और ये चौके से देखिए कुछ समय के लिए भरपाई किया, जो चार गेंद डॉट निकला था ना यहाँ पर चौका आया, और टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 55 रन है, और जीत के लिए 56 रनों की जरूरत है। पिछला मैच देखिए उमर 11 गोरेगांव टीम ने 50 रन बनाए थे, लेकिन यहां पर 56 का जरूरत है, 24 गेंद के ऊपर 56 रनों की जरूरत है। टॉस के लिए आइए यहां पर से ढोके दापीरू टीम के कप्तान से, और उमर 11 गोरेगांव टीम के कप्तान से, चलिए दोनों कप्तान आइए। दत्ता सर देखिए बेहतर अंपायरिंग भी उनके माध्यम से देखने को मिला, दापीवली टीम चा कर्णधार यायचे जरूर से यहाँ पर आएंगे, और थोड़ी सी देखिए नाखुश है यहाँ पर मरूली टीम, देखिए थोड़ी सी नाखुश है, 56 रनों का टारगेट से यहाँ पर रखा गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, क्रिकेट में होता रहता है, कहते ना रात में फूल को भी पता नहीं होता है, सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है, तो ये मैच कहाँ पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम वक्त नहीं लेंगे, हम सीधा चलेंगे। जिन्होंने बॉलीवुड में देखे धमाका मचाए थे अपने डायलॉग से, नाने भटकर आ गई मेरी मौत की तमाशा देखने, तो ये हमारे मैडी सर, इनकी आवाज में वो दर्द है, और ये अभी चिल्लाते रह जाएंगे अभी, और दुनिया देखते ही रह जाएगी, और देखते हैं मैच में, जैसे कहते ना मुर्दे पे जान आना, और मैच में कितना जान आता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए चलते हैं यहाँ पर मैडी सर के पास, और डीजे दापिवली डोके दापिवली विरुद्ध उमर इलेवन गोरेगाव यायचे, गोरेगावचा कर्णधार फैजल भाई यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होईल, काय सर भाई
गोरेगाव संघ नाणेफेक जिंकतोय आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. दापिली संघासाठी फलंदाजीला आमंत्रित करतोय. धन्यवाद. जाऊया सामन्याच्या दुसऱ्या सत्रात. बदलापूरचा फलंदा आवाज महेश धुळे उर्फ मॅडी. धन्यवाद दत्ता मामा. धन्यवाद बाबूशाह. पुरुष एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये तमाम लाडक्या प्रेक्षकांचं मी महेश धुळे मनापासून स्वागत करतोय. धाव संख्या धाव फलकामध्ये आपण पूर्वार्ध पाहिला. फलंदाजी करत असताना लिटिल स्टार धारोल टीमने काय कमालाची फलंदाजी केली आहे. अगदी मी तर म्हणेन कवीस शिंदे जेव्हा धावा करत होता मात्र त्याला ग्राफ देखील कमी पडला. कदाचित ही स्कोर कार्ड देखील कमी पडली आहे इतक्या धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या. 45 धावांची इनिंग त्याने साकारली आहे आणि संघाची धाव संख्या जाऊन ठेवली आहे ती म्हणजे 55 या आकड्यावरती. 56 धावांची गरज आहे. अब तक 56 14.00 चं आस्किंग रन रेट असेल ते म्हणजे मोरवली संघासमोर चांगलं बॅटल. सेकंड राऊंडची ही पहिली मॅच तुम्ही पाहत आहेत. नेक्स्ट मॅच देखील तुमच्या भेटीला येईल. कुठेही जाऊ नका. ऐकत राहा पाहत राहा फ्रेंच चषक गोरेगाव 2021. 56 धावांची गरज. पहिलं षटक जितेंद्र शेंडे. आघाडीचा फलंदाज आपण पाहतो निहार. पहिलाच बॉल यावेळेस अवे फ्रॉम बॉडी. थोडासा चेंडू पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. यावेळेस शरीरापासून थोडस दूर ठेवत असताना योगेश शिंद्रेकर सर आम्हाला सांगत आहे की हा चेंडू खराब आहे. लाईन चुकीची पाहायला मिळते. अतिरिक्त धाव इथे मिळते आणि अतिरिक्त धावेने संघाचं खातं या दरम्यान खुलं केलं जात आहे मोरेली टीमचं. यावेळेस अतिशय चांगला बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुटवरचा वापर नाहीये. स्विंग अँड मिस. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा ब्रेक झाला. इथे मात्र हरकत करत असताना हा बॉल आलाय डॉट. एक एक डॉट चेंडू प्रेशर क्रिएट करेल मोरवली टीम वरती आणि यावेळेस विजयाचा मार्ग सुकर करत असताना धारोल टीम आपल्या टीमचा यावेळेस क्लोज डिसिजन पाहायला मिळत होता. परंतु चेंडू या स्टॅनवरती आदळला असतं तर वेगळं चित्र नक्कीच पाहायला मिळालं असतं. अतिशय दर्जेदार स्पर्धा या विभागातून संपन्न होत असताना लाख मोलाची स्पर्धा आणि या लाख मोलाच्या स्पर्धेमध्ये चालू असलेले हे छोटे छोटे युद्ध तुम्ही पाहताय. दोन संघादरम्यान चालू असलेलं हे घमासान. एका बाजूला लिटिल स्टार धारोल काय कमालीची फलंदाजी आहे. यावेळेस चेंडू फ्लाय झालाय. पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स पंच दर्शवत असताना यावेळेस की हा चेंडू देखील खराब आहे. योगेश इंद्रेकर सर आणि त्यांच्या समवेत काम करत असताना पंचाच्या भूमिकेत विनायक गोरे मॅन फ्रॉम पिंपलोली. गोलंदाज तयार जितेंद्र. यावेळेस अजून एक बॉल. एक तेरी और एक मेरी. यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतं जितेंद्र शेंडे चांगली गोलंदाजी आहे. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पावपेच जितेंद्रच्या खांद्यावरती का असतं याचं ज्वलंत उदाहरण पाहायला मिळते. सातत्याने मी पाहिलंय जितेंद्रला कमालीची गोलंदाजी. जेव्हा मात्र चांगले खेळाडू फलंदाजी करत असतात लिटिल स्टार धारोल टीमचे तेव्हा मात्र धावा रोखण्याचं काम या जितेंद्र शेंडेने केलंय आणि ते करत असताना आता मात्र अद्यापर्यंत बॅटने धाव आली नाहीये. ती म्हणजे मोरली टीमसाठी दोन अतिरिक्त धाव आल्यात. धावसंख्या धावलकावरती यावेळेस दोन पाहायला मिळतात. 56 धावांची गरज असताना फुल टॉस बॉल होता. यावेळेस कीपर बीट सुनील शेंडे बीट. चेंडू सरळ चालला. यावेळेस लॉंग स्टॉप एंडला अगदी स्क्रीन समोर चेंडू सीमा रेषा पार. योगेश इंद्रेकर यांचा हा चौकार. झेल थोडासा अवघड होता परंतु प्रयत्न शर्तीचे होते. 100% कमिटमेंट इथे देत असताना आपल्या संघासाठी पूर्णपणे जीवाच्या आकांताने प्रयत्न केले जात आहेत आणि या दोन धावा रोखू शकत नाही आहेत. दोन धावेच्या मदतीने एकच धाव इथे घेतली आहे आणि एका धावेच्या मदतीने पहा किती बारीक लक्ष आमचे गुणसंख्या लेखक अतिशय अचूक माहिती त्यांच्या माध्यमातून यावेळेस पॅडवरती आदळलाय. पंचांकडे लाऊड अपील.
स्ट्रांग अपील उत्साह जास्त आत्मविश्वास फार कमी पाहायला मिळाला। योगेश शिंद्रेकर हे सांगत असताना की लाइन थोडीशी गोलंदाजाची चुकीची होती, अगदी डाबा स्टंपला सोडून जाणार हा चेंडू पॅडवरती आदळला आणि इथे मात्र पंचांनी त्याला ग्राह्य धरलं नाहीये। लेगबाईच्या रूपाने मात्र ही धाव इथे अंकित केली गेली, एक आणि एका धाबेच्या मदतीने षटक क्रमांक पहिलं या ठिकाणी संपन्न होत असताना धावसंख्या धाव फलकावरती 8 धावा धाव फलकावरती 56 धावांची गरज असताना 14.00 च टार्गेट आस्किंग रन रेट इथे कंप्लीट केलं जात नाहीये। फलंदाजी करत असताना द्वितीय सत्रामध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी करायची आहे, मागच्या मॅचचा तुम्ही रिझल्ट पाहिला असेल तर उमर 11 गोरेगाव संघाने सामना काय जिंकला, काय फलंदाजी होती, अफलातून 50 धावांचं टार्गेट असताना सामना आपल्या बाजूने झुकला होता हे चित्र मात्र विसरून चालणार नाहीये। परंतु द्वितीय फेरीतील दुसरी मॅच देखील तितकी रंगतदार असेल। एका बाजूला असेल जय हनुमान क्रिकेट संघ आई गावदेवी डोके दापिली टीम आणि दुसऱ्या बाजूला उमर 11 गोरेगाव, कबरच्या दिशेने हा फटका होता आपण पाहतोय। एकच धाव तिथे मिळते, डीपला क्षेत्रक्षक तैनात आहेत, दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत, बलशाली आहेत, एकाच कॅलिबरचे तुल्यबल संघ तुम्हाला आमने सामने पाहायला मिळतील। धोके दापिवली, काय मॅनेजमेंट असेल, काय स्ट्रॅटर्जी असेल, संघ चांगला बांधलाय यावेळेस या मैदानावरती। चुक टप्पा यावेळेस पाहायला मिळतोय, गोलंदाज गोलंदाजी करत असताना दुसरं षटक अजय शेंडे स्वतः संघ नायक हा चेंडू मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। पंच विनायक गोरे आम्हाला सांगत असताना की हा व्हाइट बॉल हा इथे पाहायला मिळतोय। अतिरिक्त धावाने अवांतर धावाने टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 10 धावा अजून एक। यावेळेस इथे मात्र पाहावं लागेल त्याच टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते ज्या पद्धतीने जितेंद्र शेंडेने तीन चेंडू खराब फेकले, तीन चेंडू अप्रतिम फेकले, परंतु यावेळेस या षटकामध्ये देखील सुरुवातीचे दोन चेंडू आपल्याला खराब पाहायला मिळतात अजय शेंडेच्या माध्यमातून। अजून एक बॉल यावेळेस इथे मात्र पाहायला मिळतं, डाबा स्टिक वरून जात असताना पंच थोडस लक्ष दुर्लक्ष करतात आपण पाहतो। विनायक गोरे हा बॉल इथे मात्र चांगला असेल, अगदी मी तर म्हणेन जाऊ दिला या बॉलला, फलंदाज निहारला आपण पाहतोय। फुलटॉस बॉल यावेळेस परवणी होती तिचा स्वीकार करत असताना चेंडू सरळ चाललाय, हाताला चटका लागून लॉंग ऑन सी मारेचे बाहेर, हा येतोय षटकार। कैसी बदलती जवानी मेरी सारा यावेळेस आपण पाहिलं तर अतिशय चांगली धूल आपल्याला पाहायला मिळाली। बाबू शहा यांची एक छोटी क्लिप व्हायरल झाली होती, अतिशय चांगलं समालोचन आणि समालोचनाच्या नक्कीच आपण पाहिलं तर समालोचनाच्या स्वरूपात आपल्याला एक क्लिप व्हायरल होत असताना पाहायला मिळाली। एक चांगलं सॉंग त्यांनी तिथे गायलं होतं आणि गोलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं तर अजय शेंडे षटक क्रमांक दुसरं, 4 षटकांची ही मॅच तुम्ही पाहताय। शॉर्ट टाइम क्रिकेट आणि फक्त 24 बॉल मध्ये तुम्हाला 56 धावा बनवायच्या होत्या त्या म्हणजे मोरिवली टीमला, आणि पहिला गडी गारद होत असताना अशीच तिथे बाद झाला, म्हणजे पहिली सफलता इथे मात्र मिळत असताना संघ नायक अजय शेंडेला लिटिल स्टार धारोल टीमसाठी। अठरा धाबा धाव फलकावरती आहेत, अद्यापर्यंत ग्राफ पाहिलं तर थोडस कमी पाहायला मिळतं। यावेळेस आल्या आल्या स्वागत केलंय, चेंडू सरळ चाललाय, वाईड इस्ट लॉंग ऑनला बीट करून गगनभेदी गगनचुंबी षटकार पाहायला मिळतोय। फलंदाज आक्रमक होत असताना निहारच्या बॅट मधून जबरदस्त तडाखा। काय फलंदाजी, अफलातून स्पेल देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय, जबरदस्त गोलंदाजी देखील पाहायला मिळते आणि दोन्ही संघ जीवाच्या आकांताने काय मेहनत करतात मैदानाच्या आतमध्ये, जिद्द चिकाटी मेहनत
ही तुमच्या अंगी असावी लागते, कारण बाकी सगळं तुम्हाला मोबाईल वरती आपण अपलोड केलं तर गुगल प्ले स्टोर मधून तुम्हाला बाकी सर्व काही गोष्टी मिळतील, परंतु या तीन गोष्टी तुमच्या अंगी असाव्या लागतात। धावत संख धा फलकामध्ये दोन षटकांचा खेळ संपत असताना टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे 24 या आकड्यावरती। अद्याप जिंकण्यासाठी आपण विचार केला तर येणार आहे 12 बॉल आणि 32 धावांची गरज। हे समीकरण मैदानावरती उरलंय। कैसी बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरा प्यास था। बॉल आणि 32 धावांची गरज, जबरदस्त मनोरंजन केलं जातं MS DJ-च्या माध्यमातून। धावसंख्या धाव फलकामध्ये आपण पाहिली तर 12 सरासरीने 24 धाव आहेत, 14.00 आस्किंग रन रेट आहे। स्ट्राइक इनला श्याम, फुल टॉस बॉल आहे, म्हटलं फुलर लेनचा बॉल होता, ऑनसाइडला अलॉंग द कार्पेट, एक धाव कंप्लीट, दूरवरती क्षेत्ररक्षक येतात वेगाने उचलतील, तोपर्यंत एकच धाव। हॅलो, या ठिकाणी सन्माननीय नारायण पारधी यांचं आगमन झालेलं आहे। आदिवासी टेनिस क्रिकेट संघटनेचे खजिनदार आहेत आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे ते शिक्षक या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। नक्कीच नक्कीच, आपण पाहिलं तर दत्तामामा वनोडे खूप मोठं व्यक्तिमत्व, आदरणीय पारधी सरांचं मी सहर्ष मनपूर्वक स्वागत करेन, कारण चांगली असोसिएशन त्यांच्या माध्यमातून, आदिवासी विभागातून दर्जेदार असोसिएशन म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, काय नक्कीच आपण पाहिलं तर जे पदाधिकारी आहेत सातत्याने नियम फॉलो करत असतात। आम्ही एक दोन स्पर्धा त्यांच्या देखील कव्हर केल्या, परंतु शिस्त म्हटलं ना तर नक्कीच आदिवासी विभागामध्ये जाऊन बघा काय शिस्त असते आणि हेच दाखवून देत असताना लिटिल स्टार धारोळ टीम। धाव संख्या धाव फलकामध्ये 25 धावा, गोलंदाज तयार 3 षटकामध्ये सुशील। राईट आर्म राऊंड द विकेट, गोलंदाजी करत असताना आता मात्र अजून एक चेंडू बीट केलाय, आता मात्र प्रेशर इथे क्रिएट करत असताना प्रतिस्पर्धी संघामध्ये आपण पाहतो लिटिल स्टार धारोळ टीम। मोरुली संघ या मॅच मध्ये पूर्णपणे बाकफूट वरती आपल्याला पाहायला मिळते, कारण समीकरण होतं 12 चेंडू आणि 32 धावांचं, आता मात्र समीकरण उरलंय फक्त येणारे 9 बॉल आणि 31 धावांची गरज असेल या मॅच मध्ये। कोणतीच धावसंख्या तुम्हाला विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाहीये। यावेळेस स्टेप आउट खेळण्याचा प्रयत्न, लेडिंग एज फलंदाज होतील बाद, क्वाड बियांच्या स्वरूपात मात्र अजून एक झेल आणि धक्का क्रमांक यावेळेस लागत असताना टीम मोरवली संघाला हा दुसरा धक्का फलंदाज बाद। शौकत बुबेरे यांना विनंती करतो आपण स्टेजवर यायचे, शौकत बुबेरे आपलं स्वागत आहे। काय मॅच, 12 धावांची गरज होती, 12 चेंडू 24 धावा तिथे आल्या होत्या, जणू काय असं वाटलं होतं की शेवटच्या 2 षटकामध्ये मोरवली संघ इथे मात्र मॅच मध्ये कम बॅक करेल असं चित्र वाटत असताना इथे मात्र गोलंदाजी तगडी पाहायला मिळते, ती म्हणजे लिटिल स्टार धारोळ टीमची। एकच सांगेन, क्रिकेट खेळत असताना आत्मविश्वासाला रिसेट करणे, परिस्थिती सोबत रिअडजस्ट करणे, प्रयत्नाला रिस्टार्ट करणे आणि ध्येयावरती तुम्ही रिफोकस करणे म्हणजे तुमची ही क्रिकेट लाईफ अतिशय सुंदर जाईल। या मॅच मध्ये तुम्हाला मात्र संघर्ष करावा लागेल, संघर्षाचा मात्र इथून मात्र तुम्हाला जर विजय निश्चित करायचा असेल तर संघर्षाचा पार्ट तुम्हाला जड करावा लागेल। गोलंदाज तयार, अकोट टप्प्याचा बॉल होता, पुन्हा एकदा यावेळी फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक पाठबोर स्थितीमध्ये, आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू थांबणार नाहीये, लॉंग स्टॉप एंडला चेंडू जात असताना हा येतोय संघर्षाचा संघर्षमय चौकार। चेंडू पडल्यानंतर थांबत नाहीये, आउटफील्ड इतकी फास्ट आहे, महत्व वेगाला नाही तर आपण त्या वेगाने कोणत्या दिशेला चाललोय याला महत्व आहे आणि ते करत असताना यावेळेस फलंदाज आपण पाहतोय राहुलला चौकार आलाय अशा पल्लवित करत असताना, अजून एक यावेळेस स्क्वाड बियांच्या स्वरूपात फलंदाज होतील बाद, ज्या राहुलने चौकार लगावला त्याला क्विक रिप्लाय देत असताना षटक क्रमांक 30 मध्ये गोलंदाज सुशील, फलंदाज होतील बाद, राहुल
बैक टू द डगआउट। आपण पहिले तर बाबूशाह यांचे हे सातत्याने क्लिप तुम्हाला पाहायला मिळतात। आज बाबूशाह इथे गोरेगावच्या मैदानावरती होते, म्हटलं तर दशरथ पाटील सरांची त्यांना जोड हवी होती, म्हणजे एक वेगळं चित्र वेगळं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळालं असतं। कारण रायगड समालोचन असोसिएशनचे सदस्य बाबूशाह आणि दशरथ पाटील सर, एक वेगळं चित्र एक वेगळं व्यासपीठ तुम्हाला पाहायला मिळेल। परंतु या मॅच मध्ये आता पूर्णपणे जीव टाकत असताना तो म्हणजे मोरिवली संघ आणि त्याला मात्र फाइट करत असताना लिटिल स्टार धारोळ संघ विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना काय गोलंदाजी केली लाजवाब। अंतिम षटक स्लॉग ओव्हर मध्ये गोलंदाज तयार योगेश श्यामच्या विरोधात। पहिलाच बॉल थोडीशी उंची कमी केली, काय बॉल होता श्यामसाठी। आता मात्र श्यामचं मात्र आपण जर विचार केला तर फुटवर्क नाहीये, पद लालित्य नाहीये, अगदी खडे खडे खेळण्याचा मानस होता। परंतु इथे यावेळेस हा चेंडू डॉट एक एक डॉट चेंडू तुम्हाला मात्र अगदी या स्पर्धेतून काढता पाय घ्यावा लागेल। चांगली स्पर्धा, तब्बल 365 दिवस या स्पर्धेची वाट पाहावी लागेल। अखोट टप्प्याचा बॉल, जेलची संधी होती परंतु तिथे मात्र आपण पाहिलं तर झेल होईल ड्रॉप। अगदी मी म्हणे सूर्य देवता डोळ्यावरती येत असेल येणारा हा प्रकाश, आणि त्यामुळे मात्र थोडस इथे अडथळा निर्माण झाला आणि झेल ड्रॉप झाला। धाब संख्या धावल कबड्डी दुहरे अंकाने पुढे सरकत असताना 29-29 धाबा। धाव फलकावरती डॉट चेंडू सर, मॅच कंटिन्यू योगेश सर। त्यावेळेस इथे पाहावं लागेल हा चेंडू आलाय खराब आउट साइड दी ऑफ स्टम्प। योगेशचा हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय, थोडस पडल्यानंतर वळण घेतलं, परंतु इथे यावेळेस नक्कीच चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल। निर्णायक षटक ज्याने हाताळलं, मी तर सुशीलचं कौतुक करेन ज्याने दोन सफलता अर्जित केल्या आणि फक्त 5 धावा त्याने खर्च केल्या। सफल झाले बॅटचा फेस कोला चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक येत आहे, जजमेंट चांगलं आहे परंतु झेल ड्रॉप इथे मात्र होते। एक एक छोट्या छोट्या चुका तुम्हाला नक्कीच मैदानावरती महागात पडतील। परंतु श्याम इथे मात्र फलंदाजी करत असताना थोडासा अपयशी ठरला, परंतु यावेळेस मॅच मध्ये कमबॅक करत असताना जी कंबर कसावी लागते ती कसत असताना मोरिवली संघ। धाब संघ धा फलकावरती 32-32 धाबा। दिल्ली अब तक बहुत दूर है मोरिवली टीम के लिए। यावेळेस वर पिच बॉल हेलिकॉप्टर उडवलाय, लँड कुठे होईल, लॉंग ऑन सीमारेषे बाहेर आणि श्यामच्या बॅट मधून येणारा हा बिग लॉंग वे षटकार। त्रास वाटत नाहीये आणि इथे ध्येयाचा ध्यास कोणत्या टीमला लागलाय तो म्हणजे लिटिल स्टार धारोळ टीमला। अखोट टप्प्याचा बॉल यावेळेस श्यामला, पुन्हा एकदा मला वाटतं पाठवलंय सरळ मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने। जी फलंदाजी आपण पाहिली आहे एरंदर संघाच्या माध्यमातून श्री मेहरने केली गोरेगाव संघाच्या अगेन्स्ट, तीच फलंदाजी पाहायला मिळते यावेळेस करत असताना मोरिवली टीमचा श्याम। बॅक टू बॅक सलग हा उतुंग षटकार। चव्वेचाळीस धावा, फक्त शेवटचा बॉल असेल शिल्लक। बॉल द्यायचं, मॅच बॉल मैदानावरती परत येतोय।
एक बॉल आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज, कदाचित एक चेंडू, सुरुवातीचे दोन चेंडू डॉट आले नसते तर मग या प्रश्नाचं उत्तर वेगळं पाहायला मिळालं असतं, कारण शाम मध्ये ती क्षमता आहे एखादा चमत्कार जाता, मात्र या मॅच मध्ये मोरुली संघाला वाचू शकला असाल, कारण योगेशचे सुरुवातीचे दोन डॉट चेंडू या मॅच मध्ये वापसी करतोय लिटिल स्टार धारोळ संघ श्यामच्या अगेन्स्ट, परंतु श्याम थांबणार नाहीये, आम्ही जरी हरलो असेल तरी जिंकणारा स्वतःहून म्हटला पाहिजे, आजचा खेळ सर्वात कठीण खेळ होता आणि यावेळेस हा बॉल आलाय डॉट, धाब संख्या स्थिरावली आहे, सामना गमवावा लागेल तो म्हणजे बोरिवली टीमला, लिटिल स्टार धारोळ संघ येथे विजय होतोय, विजयी संघाचं हार्दिक 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 अभिनंदन, वेल प्लेड बॉईज। तर धाबसंख्या फलकामध्ये आपण पाहिलं तर 56 धाबांची गरज असताना अवघ्या 12 धावांनी हा सामना त्यांना गमवावा लागला मोरुली टीमला, हार्ड लक मोरुली टीम। सकाळच्या सत्रामध्ये अतिशय चांगला खेळ त्यांचा राहिला, ज्या चुका मैदानावरती तुमच्या झाल्या त्या चुकांवरती तुम्ही नक्कीच लक्ष केंद्रित करा आणि पुढील तुमच्या भावी वाटचालीसाठी तुम्हाला आयोजन कमिटीच्या वतीने आणि समालोचन कक्षाच्या वतीने लाख लाख शुभेच्छा आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपण देऊ नो डाऊट, ज्याने 45 धावांची इनिंग साकारली आहे पहिल्या सत्रामध्ये जबरदस्त खेळी करत असताना, लिटिल स्टार धारोळ टीमचा द वन मॅन आर्मी वन अँड ओनली कबीर शेंडे 45 धावांची इनिंग मॅन ऑफ द मॅच। हॅलो, याच दरम्यान मंचावर परशुराम मोरगे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं ग्रामस्थ मंडळ गोरेगावच्या वतीने सहर्ष स्वागत। हॅलो, कवी यायचंय, नशीम बुबेरे यांना विनंती करतो की आपण यायचंय कवीला हा पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी। मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी बघा, इरफान नजे